गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा एलिमेंट जो उसको हटाकर, कोई एक चीज़ होती है जिसको हटाकर उसके साथ उसकी जगह पे खुद जुड़ जाता है, तो ऐसा एलिमेंट जो उसको हटा के उसकी जगह पे खुद जुड़ जाए, ऐसे उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे उसके साथ खुद जुड़ जाए। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो आपने ऐसा ही परफॉर्म किया था, उसके बारे में पढ़ा था क्लास 7 में, कि जो कॉपर सल्फेट होता है जिसका सिंबल होता है CuSO4 और उसके साथ आयरन, यानी कॉपर सल्फेट यानी इसका सिंबल ये होता है। अब जब उसके साथ आयरन जुड़ता है, यानी कि Fe, ये आयरन का सिंबल होता है, जब इसके साथ जुड़ता है तो वो कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनाता है और जो कॉपर होता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हम जान सकते हैं जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के उसकी जगह पे खुद जुड़ जाते हैं। इसी को जानने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एक्टिविटी 4.8, टेक 500 मिली बीकर्स एंड लेबल देम A, B, C, D, and E। टेक अबाउट 50 मिली ऑफ वाटर इन ईच बीकर। आपको 5 बीकर लेने हैं 100 मिली के, यानी कि उसमें जो 100 मिली के बीकर होंगे उस वैसे बीकर आपको 5 बीकर लेने हैं, 5 बीकर, और उसमें 50 मिली क्या वाटर लेना है। डिजोल्व इन ईच बीकर ए टी स्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर 4.6A। तो आपको इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस क्या करने हैं, एक एक चम्मच उसमें मिला देने हैं। जो आपने पानी लिया बीकर में उसमें आपको एक टीस्पून उसमें कुछ सब्सटेंस मिलाने हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उसको कुछ समय तक डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको छूना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, उसको हिलाना भी नहीं है, और बिना डिस्टर्ब किए उसको रख देना है कुछ समय। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसको आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, बीकर ए में कॉपर सल्फेट लेना है और उसके साथ आपको जिंक ग्रेनुअल को मिक्स करना है, कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है, यानी कि ये जो बीकर ए है उसमें
कॉपर सल्फेट है, फिर उसके बाद उसमें जिंक ग्रेनुअल को मिक्स कर देना है और उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देना है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट लेना है और फिर उसके बाद आयरन नेल यानी कि लोहे के कुछ किलो को उसमें डाल देना है। बीकर बी में कॉपर सल्फेट के साथ उसमें आयरन की नेल को मिक्स कर देना है। बीकर सी में जिंक सल्फेट लेना है और उसके साथ कॉपर टर्निंग्स यानी कि कॉपर के कुछ टुकड़े को उसमें डाल देना है, बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको कुछ समय तक रख देना है। उसी प्रकार बीकर डी में आयरन सल्फेट लेना है और उसमें कॉपर टर्निंग्स यानी कॉपर के कुछ टुकड़े को उसमें डाल देना है। बीकर ई में जिंक सल्फेट लेना है और आयरन नेल को उसमें डाल देना है और बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको रख देना है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे बीकर ए में सल्फेट कॉपर सल्फेट लिया गया है जिसका यहाँ पे कलर कैसा है, ब्लू कलर हुआ है, और उसी प्रकार इसमें भी कॉपर सल्फेट है तो इसका कलर ब्लू है। उसी प्रकार सी में जिंक सल्फेट है और डी में आयरन सल्फेट है और इसमें जिंक सल्फेट है और उसके साथ में कॉपर सल्फेट के साथ इसमें जिंक ग्रेनुअल को डाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं आप इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। उसी प्रकार बीकर बी में भी आयरन को डाल दिया गया है, आयरन के नेल को डाला गया और उसका भी कलर आप देख रहे हैं चेंज हो गया है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया है। कौन? यहाँ पे कॉपर सल्फेट ए में कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके जिंक ने वो उसकी जगह पे खुद जुड़ गया है। तो इससे आप जान सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है वो लेस रिएक्टिव मेटल है और ये जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको वो डिस्प्लेस कर दिया है। अब इसी के बारे में आगे दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। इन बीकर ए जिंक रिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जैसा कि बीकर ए में जिंक था वो कॉपर को रिस्प्लेस कर दिया है और वहाँ पे दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्पियर एंड ए पाउडरी रेड मैस ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट उसमें जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो जिंक सल्फेट में बदल जाता है और वो कॉपर को उसको डिस्प्लेस कर देता है, वहाँ से उसको हटा के वो जिंक सल्फेट के सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट में जुड़ जाता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं सेकेंड यानी कि बीकर बी में भी। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन ए सिमिलर मैनर। तो उसी प्रकार आप बी में भी देखोगे कि कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ जुड़ता है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके वहाँ पे Fe SO4 यानी कि आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और उसको कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे पहली कुछ पूछ रही है, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी बट आई एम स्टिल कंफ्यूज व्हाई देयर इज नो चेंज इन बीकर्स सी डी एंड ई। मुझे तो पता चल गया कि किस प्रकार ए और बी का जो उसके रिएक्शन के बारे में मुझे पता चल गया कि वो
जो हाई एलिमेंट्स होते हैं वो लेस एलिमेंट्स को उसको डिस्प्लेस करके और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाते हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि ई सी डी और ई के जो बीकर है उसके कलर क्यों नहीं चेंज हुए। उसी के बारे में पढ़ने के लिए नीचे देखते हैं। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर सी एंड बाई आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाई कॉपर इन बीकर डी सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन रिफर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। हमने देखा कि जो बीकर सी है उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता। वी कैन रिफर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस, तो जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, फ्रॉम जिंक सल्फेट इज उसको नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि वो लेस एलिमेंट्स है, वो कम रिएक्टिव है, इसलिए उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता। बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों? व्हेन जिंक कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, जब जिंक कैन नॉट रिप्लेस कॉपर, कि जैसा आपने बीकर ए में देखा कि जो जिंक है वो कॉपर को चेंज कर दे रहा है, तो ऐसा सी में क्यों नहीं हो रहा है? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री इफ फॉलो डिफाइन रूल्स बेस ऑफ फैक्ट एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर एंड आयरन से। ये जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर और आयरन से। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं किसको? लेस रिएक्टिव मेटल से। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो नहीं रिप्लेस कर सकते किसको? हाई रिएक्टिव मेटल को। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेस रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई आल्सो। इसलिए जो बीकर डी और ई है वो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव एमंग जिंक आयरन एंड कॉपर? तो इस प्रकार का एक सीरियल होता है जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं और लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये इस प्रकार होते हैं, मोर रिएक्टिव जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा जिंक के बारे में, आपने देखा होगा कि ये सीरियल नंबर में सबसे ऊपर आता है, यानी कि जो जिंक होता है वो इन सभी से, कॉपर से या फिर आयरन से सबसे ऊपर आता है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए ये कॉपर जो होता है, कॉपर आयरन, ये जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।